एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल व्हील ऑफ फॉर्च्यून 1111। मैं हूं आप सबकी टैरो का रीडर एंड हीलर पूर्वा घोष। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत ही अच्छे हो गाइस। सो आज की जो रीडिंग है वो नवंबर मंथ प्रिडिक्शन होगी। हम देखेंगे कि इस नवंबर मंथ में पूरे महीने आपके करियर में, आपके लव लाइफ में एंड आपके ओवरऑल ज़िंदगी में क्या क्या चीज़ें होंगी। यूनिवर्स की गाइडेंस भी हम देखेंगे। सो एक टाइमलेस रीडिंग है और आज आपको साइन चूज़ करना है। ये आपका सन, मून या राइजिंग साइन हो सकता है। ओके, आपको अपनी राशि चूज़ करनी है। सो यहाँ पे दो ऑप्शंस अवेलेबल है। अगर आपकी साइन सन मून या राइजिंग में एरीज, पाइसेस, सजिटेरियस, वर्गो, जेमिनी या कैप्रिकॉर्न है, यानी कि मेष, मीन, धनु, कन्या, मिथुन या मकर है, तो आपको पाइल वन चूज़ करना है। और अगर आपकी साइन लियो, स्कॉर्पियो, कैंसर, टॉरस, एक्वेरियस या लीब्रा है, या फिर सिंह, वृश्चिक, कर्क, वृषभ, कुंभ या तुला है, तो आपको पाइल टू चूज़ करना है। सो ये टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, आप सबके लिए, आप सब देख सकते हैं। पे रीडिंग्स के लिए, एनर्जाइज जेमस्टोन्स क्रिस्टल्स के लिए, ऑनलाइन टैरो क्लासेस के लिए आप मुझे गिवन व्हाट्सएप नंबर पर, इंस्टा आईडीज पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सारे डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है गाइज। ओके, सो चलिए बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। हेलो पाइल नंबर वन, अगर आपकी साइन सन मून या राइजिंग में एरीज, पाइसेस, सजिटेरियस, वर्गो, जेमिनी या कैप्रिकॉर्न, यानी कि मेष, मीन, धनु, कन्या, मिथुन या मकर है, तो देख लेते हैं नवंबर मंथ में आपके लव लाइफ में, करियर में, ओवरऑल जिंदगी में क्या क्या चेंजेस होंगे, क्या क्या शिफ्ट्स आएंगे, साथ में यूनिवर्स की गाइडेंस। सो टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, आप सबके लिए, आप सब देख सकते हैं। पेड रीडिंग्स के लिए, एनर्जाइज जेमस्टोन्स क्रिस्टल्स के लिए, ऑनलाइन टैरो क्लासेस के लिए आप मुझे गिवन व्हाट्सएप नंबर पर, इंस्टा आईडीज पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो इसे मैं यहाँ पर प्लेस कर देती हूँ। ऑलराइट, सो चलिए वन बाय वन देख लेते हैं। सबसे पहले हम आपके लव लाइफ में देखेंगे, तो सबसे पहले सिंगल्स के लिए देखेंगे। अगर आप बिल्कुल सिंगल, आपके लाइफ में कोई नहीं है, ना पास्ट में कोई है जिसको लेकर आप सोच रहे हो, तो आपके लव लाइफ में क्या होने वाला है, वन बाय वन देखेंगे सब कुछ। सो पॉजिटिव रहिए जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ। वी हैव द हैंग्ड मैन, we have 10 of cups, we have 2 of pentacles, we have 7 of swords, and what on the next day we have 8 of pentacles। okay, सो सिंगल, सबसे पहले आपका देख लेते हैं कि आपके लव लाइफ में क्या चेंजेस होंगे नवंबर मंथ में। सबसे पहली चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि अगर आप बहुत ज़्यादा ओवरथिंक करते हो अपने लव लाइफ को लेकर, या बहुत ही ज़्यादा सिलेक्टिव हो, या बहुत ज़्यादा कंसर्न रहते हो किसी एक पर्टिकुलर क्वालिटी या चीज़ को लेकर, सो वो जो एक भारीपन है, ठीक है, ओवरथिंक करने का अपने लव लाइफ को लेकर, या बहुत चूज़ी सिलेक्टिव होने का, उस बोझ से सबसे पहले आप उतरने वाले हो नवंबर मंथ में। मुझे लग रहा है नवंबर मंथ में आप अपने आप को अलाउ करोगे कि जो चीज़ में आप यूज टू नहीं हो, या अगर आप बहुत सिलेक्टिव हो या बहुत ओवरथिंक करते हो, तो आप चाहोगे कि आप जो है ना अपने परसेप्शन में चेंज लाएं, या फिर आप दूसरे तरीके से भी अपने लव लाइफ को देखने की कोशिश आप करोगे। ठीक है, तो मुझे नज़र आ रहा है कि आप ओपन करोगे खुद को, या खुद को ऐसी एनर्जी में लाओगे जहाँ पर आप जो चीज़ें आपको पसंद नहीं है, जो चीज़ आप लव लाइफ में नहीं भी चाहते हो, उसे भी आप ट्राई करना चाहोगे। आपको ऐसा लगेगा कि नहीं, मेरे ऐसे मेंटालिटी को या ऐसे थॉट प्रोसेस को नहीं रखना चाहिए, चेंज भी लाना चाहिए। तो कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगेगा कि यू नो, आपको वैरायटी को भी अपनाने वाले एनर्जी में रहना चाहिए, सो दैट यू नो, आपको हर एक चीज़ के बारे में पता चले और आपकी लव लाइफ आगे बढ़ पाए, जो हो सकते हैं नहीं बढ़ रही हो, क्योंकि आप ज़्यादा सिलेक्टिव हैं और कुछ आने से पहले या प्रपोजल आने से पहले ही आप इग्नोर कर देते हैं या रिजेक्ट कर देते हैं, क्योंकि आपके वो क्राइटेरिया में फिट नहीं बैठते हैं। ठीक है, तो आप इस चीज़ को फिक्स करोगे नवंबर मंथ में। नवंबर मंथ में डेफिनेटली गाइस, अगर आप लोग सिंगल हैं तो आपको ऑप्शंस मिलेंगे, मल्टीपल प्रपोजल्स मिलने के चांसेस आपको हैं। ठीक है, एंड आप डेट करोगे नवंबर मंथ में। बहुत ज़्यादा लवी डवी कनेक्शंस क्रिएट नहीं होंगे, बट येस डेटिंग आप ज़रूर करोगे होपफुल एनर्जीज़ के साथ,
एंड जो प्रपोजल्स आपको नवंबर मंथ में मिलेंगे वो बहुत हद तक जेन्युइन प्रपोजल्स होने के चांसेस रहेंगे एंड बहुत हद तक उसका फ्यूचर होगा आगे आने वाले वक्त पर. ओके, सो सिंगल्स आपको डेफिनेटली मौका मिलेगा डेट करने का, टाइम स्पेंड करने का, या फिर इंसान को समझने का कि आप अपने लव लाइफ में क्या चाहते हो और यू नो किस तरीके से चाहते हो. तो ऑप्शंस डेफिनेटली आपको नवंबर मंथ में मिल रहे हैं. सो मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि नवंबर मंथ में आप डेट ज़रूर करेंगे, बहुत ज़्यादा सीरियस लेवल पर तो नहीं करेंगे, लेकिन हाँ आपको प्रपोजल्स मिलेंगे, कन्फेशन आपके पास आएगा. और मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि डेफिनेटली आप चाहे डेट करना हो, घूमना हो या फ्रेंडशिप करना हो, ये सारी चीज़ें आपकी नवंबर मंथ में लव लाइफ में ज़रूर स्टार्ट होगी, जिसका आगे आने वाले वक्त पर फ्यूचर होने के चांसेस रहेंगे. यानी कि नवंबर मंथ में जिन्हें आप डेट करोगे या यू नो जिसको डेट करोगे उसके साथ आपके रिलेशनशिप आगे बनने के चांसेस रहेंगे या मैरिज होने के चांसेस रहेंगे. ठीक है, तो ये मुझे यहाँ पर एनर्जीज आ रही है. अगर आप सिंगल हैं और शादी करना चाहते हो डायरेक्ट, तो नवंबर मंथ में डेफिनेटली आपको रिश्ता मिलेगा एंड आपको उस पर्सन को समझने का मौका मिलेगा और तब आप डिसाइड कर पाएंगे कि आपको अपनी शादी फिक्स इसी पर्सन के साथ करनी है या नहीं. ठीक है, ऐसी एनर्जीज है. सो चलिए अब देख लेते हैं कि अगर आपके दिलो दिमाग में कोई पर्सन है या फिर आप रिलेशनशिप में हैं या मैरिड हैं तो आपकी लव लाइफ में नवंबर मंथ में क्या होगा. हमारे पास था वुड बॉज, फोर ऑफ बोज, पेज ऑफ बोज, द मून ऑन वाटर, ओके गाइज. सो अगर आप कनेक्शन में हो या आपके दिमाग में कोई पर्सन है या फिर आप मैरिड हैं तो देख लेते हैं कि आपकी लव लाइफ नवंबर मंथ में कैसे रहेगी. बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट यहाँ पर इन्वॉल्व होगा आपके कनेक्शन में. ठीक है, बहुत ज़्यादा चांसेस होंगे मीटिंग के अगर आप लोग लॉन्ग डिस्टेंस में हैं एंड या फिर अगर आप लोग करीब हैं तो ट्रिप में जाने के चांसेस नवंबर मंथ में बहुत रहेंगे. अनएक्सपेक्टेडली हो सकता है या हो सकता है प्लान करके जाऊँ, बट येस मुलाकात, मीटिंग या ट्रिप आपकी आपके पर्सन के साथ होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहेंगे. हनीमून फेज यहाँ पर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहेंगे. कनेक्शन में कमिटमेंट आएगा, कनेक्शन में सीरियसनेस, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी, कनेक्शन में बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस आएगा जिससे आप दोनों बहुत ज़्यादा फुलफिल्ड फील करोगे एक दूसरे को पाकर, बहुत ज़्यादा इन्जॉयमेंट करोगे, बहुत ज़्यादा क्लोजनेस बढ़ेगा, फ्रेंडशिप बढ़ेगा और डेफिनेटली मुझे यहाँ लग रहा है कि जो बॉन्ड है वो स्ट्रांग होगा, क्लोजनेस आप दोनों के बीच में और भी ज़्यादा बढ़ेगा, मिसअंडरस्टैंडिंग्स यहाँ पर हटेगी, फ्लो हटेगा, रुकावटें हटेंगी नवंबर मंथ में. ठीक है, और मुझे यहाँ पर लग रहा है कि बहुत ज़्यादा पैशन, बहुत ज़्यादा यू नो फायरी एनर्जी यहाँ पर एंटर करेंगी आपके कनेक्शन में. ठीक है, अगर आप मैरिड हैं तो चांसेस बहुत ज़्यादा रहेंगे कि आप कंसीव करें, गुड न्यूज़ मिले आपके फैमिली को कुछ लोगों के लिए एंड बाकी लोगों के लिए. मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि बहुत ज़्यादा ही अमेजिंग मंथ आपका ये रहेगा, बिकॉज आपके पर्सन के साथ अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो डेफिनेटली सॉल्व होगी और अगर अच्छे रिलेशनशिप में अपने पर्सन के साथ तो वो और एक स्टेप आगे बढ़ेगा और एक स्टेप हायर जाएगा. ठीक है, क्योंकि मुझे यहाँ पर फुलफिलमेंट, अबंडेंस एंड बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस, स्टेबिलिटी नज़र आ रही है आपके रिश्ते में. ठीक है, तो नवंबर मंथ आपके लिए बहुत ज़्यादा लकी होगा बिकॉज ये मंथ आप दोनों को यू नो स्टेबिलिटी प्रोवाइड करवाएगा और इस रिश्ते में शांति और खुशियाँ लेकर आएगा. ओके, सो चलिए देख लेते हैं कि आपके करियर में नवंबर मंथ में क्या होगा. और यूनियन डेफिनेटली मुझे यहाँ नज़र आ रहा है. सो अगर आप अभी सेपरेटेड हैं, अलग रह रहे हो एक दूसरे से, सो यस यूनियन होगा नवंबर मंथ में, डोंट वरी. हमारे पास है होस्टिलिटीज नंबर 26, एनवी नंबर 20, विक्ट्री नंबर 28, सेवन चक्र आर्कएंजल यूरियल नंबर 41, और एक से वी हैव द सन. सो करियर में नवंबर मंथ आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा बिकॉज आपको प्रमोशन मिलने के चांसेस हैं, आपको न्यू जॉब मिलने के चांसेस हैं,
ओके आपकी ट्रांसफ़र होने के चांसेस हैं, या करियर में जो चीज़ रुक रही थी, जैसे कि किसी चीज़ का वेट कर रहे थे, वो नहीं मिल रहा था अपने करियर में, वो आपको मिलेगा। तो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस आपके करियर में भी आएगा नवंबर मंथ पे। नवंबर मंथ में मुझे लग रहा है गुड न्यूज़ आपको मिलेगा, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलेंगी, अचीवमेंट्स एंड रिवॉर्ड्स डेफिनेटली आपको मिलेंगे आपके करियर में। आपके करियर में आपको नवंबर मंथ में चॉइसेस भी मिल सकते हैं, ठीक है। एंड जो ग्रोथ होगी आपकी, उसके वजह से आपके आसपास के, या जहाँ वर्क करते हो, या कहीं से आपको थोड़ी सी हेट्रेड या जेलसी मिल सकती है, ठीक है। सो आपको अपने माइंडसेट को क्लियर रखना होगा, आपको नेगेटिविटी से अपने आप को दूर रखना होगा, और आपको इन्फ्लुएंस नहीं होना है अगर लोग आपको नेगेटिव भी कह रहे हो, या फिर यू नो, आपको अच्छा नहीं बोल रहे हो, ठीक है। बिकॉज मुझे यहाँ पर लग रहा है कि जिस लेवल पर आपकी अचीवमेंट होगी, या जिस लेवल पर नवंबर मंथ में आपकी ग्रोथ होगी करियर में, उससे आपके आसपास के लोगों को खुशी नहीं होगी, चाहे वो फ्रेंड हो या आपके कलीग्स हो या कोई और हो, ठीक है। तो कुछ लोग ट्राई करेंगे आपको, हो सकता है कि यू नो, डिफेम करने की, या फिर आपको अपने आपके काम में क्विट करवाने के लिए, आपको डिमोटिवेट करने की। सो आपको इस बारे में ध्यान रखना है कि नवंबर मंथ में आप किससे मिल रहे हो, किनसे बातें कर रहे हो, किनसे अपने स्ट्रेटजीज या करियर के बारे में बात कर रहे हो, शेयर कर रहे हो। तो लोगों को देखकर उनके साथ बातें शेयर करनी है, उनके साथ रहना है। अपने वर्क प्लेस में भी आपको प्रोफेशनलिज्म मेंटेन करना है, ठीक है। ये चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है, ताकि यू नो, जो भी चीज़ें हो वो अच्छे तरीके से हो, ना आपको कोई इफेक्ट ना पड़े, ओके। सो करियर में मुझे लग रहा है कि आप जो भी प्रोफेशन में हो, बिजनेस में, सेल्फ एम्प्लॉयड हो, स्टूडेंट हो, या कुछ भी हो, यहाँ पर कुछ अचीवमेंट, कुछ रिवॉर्ड्स आपको डेफिनेटली मिलेंगे नवंबर मंथ में। नवंबर मंथ में मुझे लग रहा है मेंटल क्लैरिटी भी आपको आपके करियर से रिलेटेड मिलेगी, कि आपको कैसे क्या पढ़ना है ज़िंदगी में, क्या करना है, आगे कैसे बढ़ना है, ठीक है। अगर अभी कंसंट्रेशन नहीं है, फोकस नहीं है, स्टूडेंट हो, ठीक है, मन नहीं लगता है, डाइवर्ट हो रहे हो, तो वो स्टेबिलिटी, जो माइंड सेट आप नहीं कर पा रहे हो, वो आप नवंबर मंथ में डेफिनेटली कर पाओगे। एंजल्स की हेल्प यहाँ पर आपको डेफिनेटली मिलेगी, विक्ट्री यहाँ पर नज़र आ रही है, ओके। सो जितने भी मेहनत आप कर रहे हो, या जो भी अगर मेहनत कर लिया है, रिजल्ट का वेट है, सो नवंबर मंथ में अगर रिजल्ट आना होगा तो वो आपके ही हित में आएगा, एंड बहुत फ्रूटफुल होगा। सो करियर भी मुझे लग रहा है कि आपकी ज़िंदगी में अबंडेंस लेकर आ रही है। सो फाइनेंशियली यहाँ पर डेफिनेटली सिचुएशन आपकी ठीक होगी, अगर फाइनेंशियली भी स्ट्रगल कर रहे हो, फाइनेंसेस अगर यू नो, ऊपर नीचे हो गया है, तो वो भी स्टेबल हो जाएगा। एंड देन न्यू फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज़ मिलने के भी आपको चांसेस हैं, फाइनेंशियल गेन्स होने के भी चांसेस आपको रहेंगे, ठीक है, नवंबर मंथ में। चलिए और भी कार्ड्स देखते हैं। हेल्थ में मुझे यहाँ दिख रहा है, देखिए मिड नवंबर तक आपको थोड़ा सा फटीक, थोड़ा सा वीकनेस, थोड़ा सा अनस्टेबल, थोड़ा सा यू नो, एग्जॉस्टेड फील हो सकता है, लेकिन मिड नवंबर के बाद से मुझे लग रहा है कि आप फिर से आपकी एनर्जी जो है वो कंजर्व होके यू नो, फिर से रिफ्रेश्ड एंड फिर से एनर्जेटिक फील करेंगे। तो जो एनर्जी आपको लग रहा है आप लॉस हुई है, वो फिर से आप गेन कर लोगे। तो स्पिरिचुअली भी मुझे लग रहा है कि आपकी ग्रोथ होगी हर एक फील्ड में, चाहे आपके करियर में हो, लव में हो, आपके हेल्थ में हो, आपकी ज़िंदगी में हो, आपके थॉट प्रोसेस में हो, ठीक है। तो स्पिरिचुअली भी कहीं ना कहीं आप ग्रो करोगे नवंबर मंथ में। नवंबर मंथ में इनर विजडम आपको मिलेगा यूनिवर्स की तरफ से। मेडिटेशन, ओके। सो यहाँ पर आपको यूनिवर्स गाइड कर रही है कि आप अपने ज़िंदगी में मेडिटेशन को इंक्लूड करने की कोशिश करो, ठीक है। चाहे 1 मिनट हो, 2 मिनट हो, 5 मिनट हो, लेकिन मेडिटेट करने की कोशिश करो। मुझे लगता है मेडिटेशन से आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा बेहतर हो सकती है, एनर्जेटिकली आप बहुत अच्छा वर्क कर सकते हैं अपने लाइफ में। सो यूनिवर्स आपको बता रही है कि अगर अभी तक आप मेडिटेशन करते हैं तो वो बहुत अच्छी बात है, उसे कंटिन्यू रखिएगा। लेकिन अगर आपने मेडिटेशन स्टार्ट नहीं किया है, सो वक्त आ चुका है कि नवंबर मंथ से आप इसके बारे में सोचें, इसके बारे में थोड़ा सा टाइम निकालें एंड ट्राई करने की कोशिश करें, स्टार्ट करें मेडिटेशन। इससे आपकी बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट होगी, हेल्थ भी, मेंटल स्टेट भी, इमोशनल स्टेट भी, हर एक चीज़। और आप फोकस्ड, कंसंट्रेट तरीके से चीज़ों को कर पाएंगे, हैंडल कर पाएंगे, ठीक है। बिकॉज मुझे लग रहा है कि आप कनेक्टेड हैं यूनिवर्स के साथ, बट मुझे यहाँ पर लगता है कि उस कनेक्शन को फील करने के लिए आपको मेडिटेशन की ज़रूरत है, और एल्स आप उस कनेक्शन को फील नहीं कर पाते हो और आप कटा कटा महसूस करते हो, ओके। सो गाइस, ये थी आप लोग की रीडिंग, आई होप आपको पसंद आए। अगर पसंद आए तो प्लीज़ टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब गाइस। मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय।
हेलो पाइल नंबर टू, अगर आपकी साइन सन मून या राइजिंग में लियो, स्कॉर्पियो, कैंसर, टॉरस, एक्वेरियस या लिब्रा है, यानी कि सिंह, वृश्चिक, कर्क, वृषभ, कुंभ या तुला है, तो देख लेते हैं नवंबर मंथ आपके करियर में, लव लाइफ में, ओवरऑल लाइफ में क्या होने वाला है, साथ में यूनिवर्स की गाइडेंस। सो एक टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है आप सबके लिए, आप सब देख सकते हैं। पेड रीडिंग्स के लिए एनर्जाइज जेमस्टोन क्रिस्टल्स के लिए, ऑनलाइन टैरो क्लासेस के लिए आप मुझे गिवन व्हाट्सएप नंबर पर, इंस्टा आईडी पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मेरे सारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जरूर चेक करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सेकंड चैनल पे भी जरूर विजिट कीजिए, मिस्टिसिज्म बाय पूर्वा, जहाँ पे आपको स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड और भी कंटेंट देखने को मिल जाएंगे। यहाँ प्लेस कर दिया है, सो लेट्स सी। तो वन बाय वन देखेंगे गाइस। सबसे पहले हम देखेंगे आपके लव लाइफ में नवंबर मंथ में क्या होगा। सबसे पहले एकदम सिंगल्स का देखेंगे, ठीक है। लाइक अगर आप एकदम सिंगल हैं, कोई नहीं है आपकी लाइफ में, पास्ट का भी कोई नहीं है, बिल्कुल सिंगल हैं आप, तो देखते हैं कि आपके लव लाइफ में नवंबर मंथ में क्या होगा। हमारे पास से द डेविल, एट ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, टू ऑफ कप्स, Brother, next we have the Hermit card. ओके सो यहाँ पे दो पॉसिबिलिटीज़ नज़र आ रही है सबसे पहले, ठीक है। सो मैं दो यहाँ पर चीज़ें आपको बताएंगे जो आपके साथ रेजोनेट करे, वो आपके लिए है। सबसे पहले चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि अगर आप सिंगल हैं एकदम, सबसे पहला मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि आपके लाइफ में कोई एक पार्टनर है, कोई डेस्टिन पार्टनर जिसे हम कहते हैं, ठीक है। सबके डेस्टिन पार्टनर नहीं है, बट आपके मुझे नज़र आ रहे हैं कि डेस्टिन पार्टनर है, एंड उस डेस्टिन पार्टनर की वजह से वो जो डेस्टिन पार्टनर है प्रेजेंट लाइफ में आपको बहुत मैनिफेस्ट कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा। और आप एक ऐसे सिचुएशन में जहाँ पे आपका भी ग्रोथ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। आपको भी बहुत सारी चीज़ों को अचीव करना है अपने डेस्टिन, इस डेस्टिन पार्टनर से मिलने से पहले। सो क्योंकि आपके पर्सन आपको बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हैं, जो आपके लिए बने हैं, वो आपको बहुत ज़्यादा चाह रहे हैं कि आप उनके लाइफ में जल्दी जाएँ, और साथ में अभी आपको अपने लाइफ में कुछ अचीव या कुछ सेटल भी करना है। सो इस दोनों वजह से मुझे यहाँ लग रहा है कि आप अभी भी सिंगल हैं, या फिर आपको डेट करने पे भी कोई इंसान ढंग का मिलता नहीं है, या फिर आपकी रिलेशनशिप्स हमेशा टूट जाती है। तो इस तरह की एनर्जी मुझे दिख रही है कि नवंबर मंथ में भी ये जो डेस्टिन पर्सन, ये जो आपके लिए बना है, ये आपको बहुत मैनिफेस्ट करेंगे, और साथ में आप अपने काम में बहुत ज़्यादा बिजी रहोगे। सो नवंबर मंथ आपका ऐसे ही निकल जाएगा, ठीक है, आपको समझ में भी नहीं आएगा, और ऐसे ही सिंगल जैसे आप हैं वैसे ही आपका निकल जाएगा। आप डेट भी नहीं करोगे, किसी से बात भी नहीं करोगे उस इंटेंशन से, एंड आप बिजी रहोगे, ये सबसे पहले चीज़। दूसरा मुझे लग रहा है कि अगर आप सिंगल हैं तो ये एक चांसेस हैं कि कोई एक पर्सन आपके लाइफ में एंटर करे नवंबर मंथ में, नवंबर मंथ में एंटर करें, या फिर हो सकता है एंटर वो इंसान कर चुके हैं आपके लाइफ में, और नवंबर मंथ से आपका उस पर्सन के साथ रिलेशनशिप शुरू हो, लेकिन ये पर्सन आपके कार्मिक पर्सन होंगे। सो ये पर्सन हो सकता है शॉर्ट टर्म रहे आपके साथ, मतलब शॉर्ट टर्म रिलेशनशिप बने आपका, या फिर हो सकता है लॉन्ग टर्म भी बने, लेकिन कार्मिक पार्टनर होंगे ये, ठीक है। तो कभी अच्छा फील करेंगे, कभी बुरा फील करवाएंगे, और ये आपको कुछ लेसन्स देंगे, या फिर इनके वजह से आप कुछ चीज़ों को रियलाइज़ करोगे, कुछ चीज़ों में अवेकेंट होकर वर्क करोगे। सो यहाँ पे दो सिंगल्स की एनर्जीज आ रही है, एक मैंने आपको बता दिया कि आपका बिजी बीतेगा एकदम सिंगल तरीके से, दूसरा आपका रिलेशनशिप बन सकता है, डेट कर सकते हो, ऑलरेडी वो इंसान लाइफ में है, एंड कनेक्शन स्टार्ट करोगे या ज़्यादा गहरा होगा, बट ये कार्मिक पर्सन रहेंगे आपके, ठीक है। ये लंबे टाइम के लिए रह सकते हैं, शॉर्ट टाइम के लिए रह सकते हैं, लेकिन आपके साथ रहकर आपको अवेकन करेंगे, आपको कुछ ना कुछ लेसन देंगे, एंड इनके साथ आप मिक्स्ड फीलिंग्स में रहने के चांसेस रहेंगे, ठीक है। सो आप देख लेते हैं कि अगर आप किसी कनेक्शन में हैं, रिलेशनशिप में हैं, मैरिड हैं, या आपके दिलो दिमाग में कोई पर्सन है, सो आपके लव लाइफ में क्या होगा नवंबर मंथ में। हमारे पास है सिक्स ऑफ एरोज, वी हैव क्वीन ऑफ बोज,
We have five of stones. वी हैव पेज ऑफ स्टोन्स. ओके, सो यहाँ पर भी अगेन दो स्टोरीज नज़र आ रही है. सो चलिए बात करते हैं. सबसे पहले मुझे नज़र आ रहा है कि अगर आप किसी टॉक्सिक पर्सन से करंटली डील कर रहे हो, किसी टॉक्सिक कनेक्शन में हो, जहाँ पे रहना चाहते तो हो नहीं, बट बहुत क्योंकि आप बहुत जेन्युइन है, बहुत लॉयल है, बहुत अटैच्ड हैं, या फिर आपको लगता है कि ये रिश्ता एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है एंड आपको एंड तक निभानी चाहिए, जिसकी वजह से हो सकता है कि आप एक लूप में फंसे हुए हो. बट नवंबर मंथ में मुझे लग रहा है कि अगर वो चीज़ आपको टॉक्सिक या वन साइडेड लगती है, सो नवंबर मंथ में आप फाइनली मूव ऑन करेंगे एंड न्यू ऑप्शंस की तरफ बढ़ेंगे. एंड न्यू ऑप्शंस आपकी तरफ नवंबर मंथ में आएंगे लव लाइफ को लेकर, चाहे वो प्रपोजल की तरह हो, फ्रेंडशिप की तरह हो, या फिर किसी नए इंसान से ऐसे ही मुलाकात हो सडनली, इस तरीके से भी हो सकते हैं. सो पहली चीज़, अगर आप टॉक्सिक सिचुएशन से डील कर रहे हो, कनेक्शन से डील कर रहे हो, पर्सन से डील कर रहे हो, सो आप मूव ऑन नहीं कर पा रहे थे, अटके हुए थे, तो आप डेफिनेटली मूव ऑन कर पाओगे, परमानेंटली मूव ऑन कर पाओगे एंड अपनी लाइफ की न्यू बिगिनिंग कर पाओगे एंड नए ऑप्शंस को मौका दे पाओगे. ठीक है, अपने आप को भी चांस दे पाओगे रिलेशन, न्यू रिलेशनशिप स्टार्ट करने के लिए. ठीक है, दूसरा मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि अगर अगर आपका कोई कनेक्शन टॉक्सिक नहीं है या मैरिड आप टॉक्सिक नहीं है मैरिज आपका सो मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि आपके कनेक्शन में फ्लो आएगा बहुत ज़्यादा. ठीक है, बहुत ज़्यादा एक मतलब रूट्स जो है ना आप दोनों के कनेक्शन के, वो स्ट्रांग होंगे. अगर कोई चीज़ एक तरफा लग रही थी, वन साइडेड लग रही थी, वन साइडेड एफर्ट्स, वन साइडेड लव, तो वो म्यूचुअल तरीके से बदलेगा. ठीक है, एंड एकदम से कमिटमेंट या एकदम से स्टेबिलिटी तो नहीं आएगी, लेकिन हाँ, अगर प्रॉब्लम चल रहा है आपके रिश्ते में, तो बहुत हद तक पहले से ज़्यादा स्टेबिलिटी, पहले से ज़्यादा एक विश्वास, ट्रस्ट, फेथ इस कनेक्शन में आपके नवंबर मंथ में डेफिनेटली आएगा. और जो चीज़ आपको अपने पर्सन की तरफ से अगर नज़र नहीं आ रही है, सो नवंबर मंथ में वो एफर्ट, वो प्यार आपको अपने पर्सन की तरफ से भी नज़र आएगा, और नज़र आएगा कि आपके पर्सन आपके लिए भी कर रहे हैं. ठीक है, एंड अगर आप साथ में सेटल होना चाहते हो, या फिर आपके पर्सन ने आपको प्रॉमिस किया था, या फिर अगर आप मैरिड हो बट आप अपने पर्सन के साथ अलग से रहना चाहते हो, तो वो भी शिफ्टिंग भी पॉसिबल होगी नवंबर मंथ में. चांसेस रहेंगे कि आप अपने पर्सन के साथ शिफ्ट कर जाओ अलग घर में, या नया घर लो, ये भी चांसेस यहाँ पर रहेंगे. ठीक है, तो डेफिनेटली स्ट्रगल अगर आपका चल रहा है कनेक्शन में या मैरिज लाइफ में, वो स्ट्रगल्स यहाँ पर नवंबर मंथ में हट जाएगा. ओके, तो चलिए अब हम देखते हैं कि आपके करियर में क्या होगा नवंबर मंथ में. हमारे पास है मैन होल्डिंग अ कॉइन नंबर 43. Angel of Balance number 48, Attachment number 5, Door to Spirit number 32. Okay guys, so career में आप अपनी दिल की सुनने वाले हो, या फिर जो बात आप अपनी दिल की सुन चुके हैं उसे आप डेफिनेटली अप्लाई करने वाले हो अपने करियर में. आपके करियर में मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है नवंबर मंथ में शांति आएगी, पहले से बैलेंस आएगा एंड चांसेस ये भी रहेंगे कि अगर आप मन मार कर कोई काम कर रहे हो, या दिल नहीं आपका कोई जॉब करने का, तो आपकी जॉब चेंज होने के चांसेस रहेंगे. हो सकता है कि आप जॉब, एक जॉब को छोड़ के दूसरे जॉब में जाओ, या आप जॉब छोड़ के बिजनेस स्टार्ट करो, या फिर आपको ऐसा लगे कि मैं जो कर रहा हूँ, चाहे वो कुछ भी हो, कोई स्टडी हो, किसी फील्ड में स्टडी हो, किसी जगह में जॉब हो, किसी चीज़ में बिजनेस हो, आपको रियलाइजेशन हो सकता है कि मैं इस चीज़ के लिए नहीं बना हूँ या नहीं बनी हूँ, मुझे कुछ और करना चाहिए मेरे दिल के अकॉर्डिंग, तो आप कुछ नया स्टार्ट कर सकते हैं. बेसिकली मुझे लग रहा है जो करियर पाथ आपको सर्व नहीं कर रहा है बट आप उसमें फिर भी क्लिंगी तरीके से अटके हुए हैं, तो उससे आप निकल जाएंगे, आप दिल की सुनोगे. ठीक है, कुछ नया स्टार्ट करने के भी चांसेस रहेंगे. ठीक है, कुछ फ्रेश स्टार्ट करने के चांसेस भी हैं यहाँ पर. एंड यह भी हो सकता है कि आपके दिमाग में कोई प्लानिंग है बट आप स्टार्ट नहीं कर पा रहे थे अपने करियर में, डर था, लेकिन नवंबर मंथ में उस चीज़ को सही में आप स्टार्ट कर पाओगे. ठीक है, उस करियर को, चाहे वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट हो या बिजनेस हो या कुछ भी स्टार्टअप हो, आपके करियर में पहले से ज़्यादा बैलेंस, पहले से ज़्यादा स्थिरता, पहले से ज़्यादा शांति, और पहले से ज़्यादा
श्योरिटी एंड कॉन्फिडेंस कि आप किस लिए बने हो, आपको अपने करियर में क्या करना है, कैसे करना है, उसकी जो श्योरिटी है वो नवंबर मंथ में आपको मिलेगी, ठीक है। सो आप बेसिकली डिफरेंशिएट कर पाएंगे कि मैं जो काम कर रही हूँ या कर रहा हूँ उसमें मैं खुश हूँ या नहीं, या मुझे कुछ और भी करना चाहिए, या मेरे पोटेंशियल्स क्या हैं। तो आपको बेसिकली समझ आएगा अपने बारे में और भी ज़्यादा, आप डिस्कवर करोगे या रीडिस्कवर करोगे अपने आप को, ठीक है, चाहे आप स्टूडेंट भी हो तब भी। ओके, ये एनर्जी मुझे यहाँ नज़र आ रही है। सो बेसिकली आप समझ पाएंगे कि आप किस लिए बने हो, आपके करियर में बेस्ट ऑप्शंस कौन सा हो सकता है, और आपको इस वक्त किस चीज़ में टाइम देना चाहिए, ठीक है। तो पहले से ज़्यादा स्थिरता, पहले से ज़्यादा स्टेबिलिटी, पहले से ज़्यादा बैलेंस आपके करियर में डेफिनेटली बनते हुए नज़र आ रहे हैं। फाइनेंशियल गेन्स आपके इसी डिसीशंस, ये जो डिसीशंस आप लोगे नवंबर मंथ में या नवंबर मंथ में जो स्टार्ट करोगे, या फिर न्यू जॉब स्विच करने के चांसेस हैं, एक बेहतर ऑफर आने के चांसेस हैं, वो सब जब आप अप्लाई करोगे तो वही सारे डिसीशंस एंड एफर्ट्स एंड अपॉर्चुनिटीज़ ही आपको आगे आने वाले वक्त तक फाइनेंशियल गेन, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और भी ज़्यादा दिलाएगा, ठीक है। सो मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि ट्रांसफॉर्मेशन, मेजर ट्रांसफॉर्मेशन नवंबर मंथ में आपके करियर से रिलेटेड आपके लाइफ में होगा, जहाँ पर आपको बेसिकली समझ भी आएगा, आपको रास्ता अपना नज़र आएगा कि किस पाथ पर चलना है, और आप फील कर पाओगे कि जो आप कर रहे हो वहीं तक आपकी पोटेंशियल सीमित है, उससे भी बेहतर आप कुछ कर सकते हैं, या और भी ज़्यादा आप डिजर्विंग पर्सन है, ठीक है। हेल्थ में मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि आपके इंडाइजेशन के इश्यूज़ हो सकते हैं, ठीक है, डिहाइड्रेशन के इश्यूज़ हो सकते हैं, ओके, एंड थोड़े सफोकेशन वाले इश्यूज़ हो सकते हैं, ब्रीदिंग इशू हो सकते हैं, तो आपको इन सारी चीज़ों में ध्यान रखना है, ठीक है। जब भी आपको सफोकेटेड फील हो तो आपको बाहर हवा यू नो इन्वायरमेंट की हवा लेना है, या फिर आपको डॉक्टर को कंसल्ट करना है, ठीक है। इंडाइजेशन के इशूज़ हो तो अपने डिहाइड्रेशन के इशूज़ हो तो अपने डाइट को आपको मेनटेन रखना है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मुझे यहाँ पर नज़र आ रही हैं। सो अपने ब्रीदिंग पे ध्यान दीजिए अभी से ही, अगर कोई इश्यूज़ आए तो ज़रूर डॉक्टर को कंसल्ट करें और अपना ख्याल रखें, ओके, और ऐसे आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी मुझे नज़र आ रहा है, ओके। सबके लिए नहीं, कुछ लोगों के हेल्थ इश्यूज़ यहाँ हो सकते हैं, लेकिन बाकी लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि हेल्दी ही रहोगे नवंबर मंथ में। सो देखिए, मुझे यहाँ पर लग रहा है कि यू नो यूनिटी आपको नज़र आएगी आपके वर्क प्लेस में, आपके फैमिली के साथ, आपके लवर के साथ, आपके फ्रेंड्स के साथ, ठीक है। मतलब जो रिश्ता है वो और भी ज़्यादा स्ट्रांग होगा नवंबर मंथ में, ठीक है। और फेक लोग आपके लाइफ से निकलेंगे, या टॉक्सिक लोग आपके लाइफ से ज़रूर निकलेंगे नवंबर मंथ में, और जो लोग आपके अपने हैं उनके साथ आपकी क्लोजनेस और भी ज़्यादा बढ़ेगी, ओके। ओके, सो यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है कि नवंबर मंथ में यू नो बहुत सारी चीज़ें रिवील होंगी आपके सामने, बहुत सारी सच्चाई आपको पता चलेगी, जैसे मैंने बताया करियर के बारे में, लव लाइफ के बारे में भी पता चल सकता है, बहुत सारी और भी तरह तरह के पर्सनल लाइफ से रिलेटेड, फैमिली लाइफ से रिलेटेड। तो यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि आपको करेजियस रहना है, आपको सच अगर आपको सुनने को मिले तो उसे एक्सेप्ट भी करना है, एंड उसके अकॉर्डिंगली आगे भी बढ़ना है, ठीक है। और आपको यहाँ पे बताया जा रहा है कि अपने पोटेंशियल को भी समझें, अपने पावर को जाने, अपने वर्थ को जाने, और अगर आप अपने आप से सच्चे रहोगे तो आपके लाइफ में आपको हर एक चीज़ मिलेगी, आपको बहुत कामयाबी मिलेगी। मुझे लगता है बहुत सारी चीज़ आप खुद से ही यू नो ऑनेस्ट नहीं रहते हो, तो आपको खुद से सबसे पहले ऑनेस्ट रहने की ज़रूरत है, खुद से फेथफुल रहने की ज़रूरत है, ठीक है। क्योंकि यूनिवर्स चाहती है कि यू नो जो आप सोचें, जिस पर आप विश्वास करें, तो अपने अंदर उस चीज़ पे फेथ भी रखें जो आप नहीं रखते हैं, हो सकता है, हो सकता है खुद ही को इल्यूजन में आप डालते हो, ठीक है, तो वो आपको नहीं करना है। सो गाइज, ये थी आप लोगों की रीडिंग, आई होप आपको पसंद आएगा, पसंद आए तो प्लीज़ टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब गाइज। मैं मिलती हूँ आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, बाय टू।